जितना हम अपनी जर्नी को शुरू करने के समय ऊपर की तरफ गए थे, मैक्लोडगंज के लिए हम जितना ही ऊपर की तरफ गए थे उतना ही हमें नीचे भी आना था गाइस। तो यहाँ पे जब हम मैक्लोडगंज से निकले और निकल कर जब हम धर्मशाला जाने लगे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि जितना डिफ़िकल्ट ऊपर चढ़ना था उतना ही डिफ़िकल्ट नीचे उतरना भी था। तो यस गाइस, वेलकम टू माय अनदर एपिसोड ऑफ हिमाचल टूर, जिसमें कि मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि हम आगे धर्मशाला का मार्केट देखेंगे और उसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो हियर वी आर ऑल सेट टू लीव। तो हम खड़े हैं अभी जीटी रोड पे। तो अभी गाइस मैं खड़ी हूँ मैक्लोडगंज के इस प्रॉपर फेमस मार्केट में। कैसा रहा हमारा रूम टूर, आप जरूर कमेंट में लिखना। देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने साइन बोर्ड देखा अभी, और साइन बोर्ड देखने के बाद हमने रोड्स देखे। रोड्स तो बहुत ही ऑसम बने हुए थे, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चाहे फोर व्हीलर से जा रहे हो या टू व्हीलर से। बट क्योंकि हिमाचल है तो यहाँ पे चढ़ाई और ढलान बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रोड है, फोर व्हीलर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आ रही है और यहाँ पे हमारी बाइक स्लाइड की तरह नीचे जा रही है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना होता है अपने व्हीकल पे, आप चाहे फोर व्हीलर चला रहे हो या टू व्हीलर। जब भी आप हिमाचल की तरफ आओ तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो कि आप अच्छा खासा अपना जो कंट्रोल है अपने व्हीकल पे रखो, ब्रेक टाइम पे लगाना है, नीचे उतरते समय आपको स्पीड मेंटेन रखनी है। आपको बहुत बहुत अच्छा ड्राइवर होना पड़ेगा व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग टू हिमाचल, बिकॉज इट्स रोड और डिस्टेंस दो व्हीकल के बीच में भी मतलब आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि जो वन वे और टू वे जो व्हीकल्स आ रही होती हैं, सड़कें बहुत पतली पतली होती हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हर तरह की सड़क और रोड आपको मिलेंगे इस जर्नी में। तो गाइज ये तो हो गई बात हमारे ट्रैवल के सेफ्टी गाइडेंस की, अब हम चलते हैं अपने आगे। तो अब हम हैं धर्मशाला मेन मार्केट की तरफ, ऑलमोस्ट हम धर्मशाला पहुंच चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मेन मार्केट धर्मशाला के। तो वी जस्ट गोना एक्सप्लोर लिटिल बिट। तो गाइज देखते ही देखते हम धर्मशाला के मेन मार्केट में भी पहुंच चुके थे, और वहां जाने के बाद हमने देखा कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस को विजिट करने के लिए हमें मेन मार्केट से बहुत दूर जाना पड़ता, क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज था। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम मार्केट को ही एक्सप्लोर करेंगे, और टाइम भी दोपहर हो चला था ऑलमोस्ट, तो हमने यही बेस्ट ऑप्शन सोचा और मार्केट को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। मॉर्निंग में हमने सिर्फ चाय पिया था, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा हंग्री भी थे, तो हमने वहाँ पे फूड एक्सप्लोर करने का ऑप्शन चुना, और डेफिनेटली हम एक अच्छे ढाबे पे गए और वहां पे हमने अच्छा खासा लंच किया। वी हैव रीच्ड धर्मशाला एंड वी डिड नॉट हैड एनी ब्रेकफास्ट मैक्लोडगंज में, इसीलिए हमने डिसाइड किया दैट वील हैव समथिंग हियर एंड नाउ वी आर इन द रेस्टोरेंट। आई विल शो यू द नेम एज वेल। एंड हमने ऑर्डर किया है समोसा छोला, दिस इज समोसे छोले एंड दिस इज समोसा चटनी विद रायता। So next we ordered this is gobi paratha and this is paneer paratha with achar and tea. So
वी हैड आर ब्रेकफास्ट हियर इन विनोद चाट भंडारा शुरू बट पीछे से धर्मशाला के मेन मार्केट में बहुत ढूंढने पे हमें ये एक चाट भंडार जो विनोद चाट भंडार का शॉप है ये मिला था और यहाँ पे इतना अमेजिंग और डिलीशियस फूड था। आप देख रहे हो सब कुछ फ्रेश बनता है और वो ऑन द स्पॉट देते हैं। तो यस, हमने यहाँ पे अपनी क्रेविंग जो फूड क्रेविंग थी उसको शांत किया और उसके बाद हम वहाँ से निकले। और आप देख सकते हो सारी चीज़ें बहुत क्लीनिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से मेंटेन है और टेस्ट ऑफ द फूड इट वाज अमेजिंग। अंदर भी सिटिंग थी इसमें और बाहर भी था, प्लस जो भी कुछ दे रहे थे वो सब कुछ बहुत फ्रेश था। तो या डू गिव इट अ ट्राई। We are leaving now and heading towards to our journey guys and we'll see you on the way. ये मुझे क्यों देख रहा है भाई? तो हमारे 3 दिन के इस हिमाचल टूर में हमने मोस्टली सारी चीज़ें देखी, जितना कवर हो सका उतना कवर किया। हमने मैक्लोडगंज देखा, मैक्लोडगंज में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस को देखा एंड देन हम धर्मशाला आए, धर्मशाला में मेन मार्केट देखा, वहाँ पे हमने फूड भी इंजॉय किया। और इस 3 दिन की जर्नी में हम अभी बढ़ रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है माता चिंतपूर्णी टेम्पल। यस गाइस, तो अब हम आगे जा रहे हैं और हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो कि माता चिंतपूर्णी टेम्पल है। तो यहाँ हमको मेक श्योर करना था कि हम आज ही माता के दर्शन भी कर लें और हम घर के भी लिए निकले, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था इन दोनों ही चीज़ों के लिए। तो हमको अपनी स्पीड को करना था थोड़ा सा और ज़्यादा, इसीलिए हम चल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो मिलते हैं आपको माता के मंदिर में। कांगड़ा को पूरा क्रॉस कर चुके हैं, चिंतपूर्णी के रास्ते में हैं और अभी हम थोड़ा सा 5-7 मिनट का हॉल्ट लिया बिकॉज बाइक चला के कॉन्स्टेंटली वी थॉट वी शुड टेक रेस्ट। तो हम थोड़ा सा हॉल्ट ले लिया 5 मिनट का और वेट आल शो यू कि वो जाना कहाँ पे है एंड यहाँ का भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। को वहाँ जाना है, वहाँ पे देखो जहाँ पे गाड़ी जा रही है और जहाँ पे ब्रिज है वो देखो गाड़ी जा रही है, आपको वाइट कलर की दिख रही होगी। तो हमको ऑल द वे वहाँ पे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, होपफुली आप देख पाओगे इसमें। तो अभी बच रहे हैं 2 और यहाँ पे है मेन रोड, यहाँ पे एक गाँव जाता है छोटा सा अंदर हम।
गाइस ये जो सीनरी आप देख रहे हो ये इतना अमेजिंग था उस टाइम पे। ऑलमोस्ट आफ्टरनून हो चुका था और यहाँ पे आप देख रहे हो कि धूप नहीं है, बहुत ही मतलब ऐसे बिना धूप वाला और बिना शाम वाला ये मौसम था। आप रिलेट कर ही सकते हो, मतलब वो एकदम सुहाना सा मौसम जिसे हम कहते हैं वैसा था। दैट इज़ आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ बाय कैप्चरिंग इट। तो गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने एक और चीज़ देखी। आप जो ये ट्रेन की पटरी देख रहे हो ये बेसिकली टॉय ट्रेन की पटरी है जो कि हिमाचल के पहाड़ों में चलती है और ये पंजाब के पठानकोट से ज्वाला देवी, कांगड़ा और फिर पालमपुर से होते हुए डलहौसी तक जाती है। अगर आपको हिमाचल की बर्फीली वादियों का और उसकी मौसम का लुफ्त उठाना है, नज़ारे देखने हैं, तो आप टॉय ट्रेन को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ मैक्लोडगंज जाने की तो आपको कांगड़ा से चेंज करना पड़ेगा। कांगड़ा में उतरकर आपको वहाँ की लोकल व्हीकल को लेना पड़ेगा, 20 से 25 मिनट में आपको वो मैक्लोडगंज पहुँचा देगा। पर अभी के लिए क्योंकि टॉय ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी इसीलिए वो अंडर मेंटेनेंस था, तो या वेन एवर यू कम यू कैन गिव इट अ ट्राई। तो गाइस हम सबको याद होगा कि जब बचपन में ऐसी गुफा हम देखते थे अपने ट्रैवल में तो हम बच्चे होते थे और हम उस गुफा में चिल्लाते थे। तो बस वैसे ही सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते गए और गाइस ये जर्नी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अभी तो हमें चिंतपूर्णी देवी के दर्शन भी करने हैं। तो यस बने रहिए मेरे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। लाइक शेयर एंड एज आई से सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एज वेल। अभी के लिए ये जर्नी यहीं पे कंटिन्यू होती रहेगी गाइज और मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में विथ माई अनदर पार्ट सुपर सून। अंटिल देन डू टेक केयर एंड यस डू लीव अ कमेंट वट एवर यू थिंक अबाउट दिस जर्नी और हिमाचल टूर से रिलेटेड कोई आपके कंसर्न होंगे या आपका कोई भी कमेंट या फीडबैक होगा प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं। आई रुक्मिणी शर्मा, रुक्मिणी शर्मा विल सी यू सुपर सून विद माई अनदर वीडियो। अंटिल देन टेक केयर गाइज़।